नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील पांडे। आज फिर एक चर्चा करेंगे आपके सामने इस बात की कि बीजेपी की जो चल रही है दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज खत्म हो जाएगी, और इससे सबसे बड़ा जो सवाल था कि जेपी नड्डा क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, तो यह बात अब सामने आ गई है कि जेपी नड्डा अगले दो वर्षों के लिए बीजेपी का कमान संभाले रहेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी अगली लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेगी। यह जेपी नड्डा को एक तरह से पुरस्कार है, क्योंकि इनकी ट्यूनिंग बीजेपी के दोनों शिखर पुरुष नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के साथ इनकी बहुत अच्छी पटती है। यह अब उस विवाद को विराम दे दिया या उस चर्चा को विराम दे दिया गया था जिसमें अभी तत्कालीन गुजरात बीजेपी के जो चीफ हैं, जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय बीजेपी को मिली थी, उनके देश के अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। अब यह बात खत्म हो गई और जेपी नड्डा के हाथ में ही कमान बीजेपी का अगले दो वर्षों के लिए होगा। जाहिर है तब बिहार का भी चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव भी इन्हीं के रहते हुए लड़ा जाएगा, ये तय मानिए। अब दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरा मकसद था आज आपके साथ साझा करने की, वो चुनावी रेवड़ियां बांटे जाने की। जो खबर मिल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और बीजेपी के हाई कमान ने अपने ग्राउंड लेवल तक के कार्यकर्ताओं को कहा है कि मुख्य प्रधानमंत्री के नाम से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसको हर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। मतलब ये कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ, मतलब मुफ्तखोरी को और प्रशय देने की बात सामने आ रही है। भाजपा अपने एक सर्वे में यह देखने में अपने सर्वे में यह पाया है कि मुफ्त बिजली पानी का बड़ा भयानक असर मतदाताओं पर हो रहा है, और मुफ्त बिजली पानी के चक्कर में उनके मत उस पार्टी की ओर ज्यादा मुखातिब हो जा रहा है, उसके फेवर में चला जा रहा है जो इस बात की घोषणा करती है। कल ही मतलब सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो हर घर की महिला को 2000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। दूसरी तरफ अभी महीनों पहले ही कर्नाटक में ही कांग्रेस यह घोषणा कर चुकी है कि सत्ता में यदि सरकार आई तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। बीजेपी परेशान है इन बातों से, क्योंकि वह देख चुकी है कि दिल्ली की सत्ता और पंजाब की सत्ता इसी मुफ्तखोरी के नाम पर कुर्बान करना पड़ा। जनता उनके साथ खड़ी हो गई जो मुफ्त देने की बात कह रही थी। आप दिल्ली में दूसरी बार सत्ता में आई तो पंजाब में पहली बार सत्ता में आई और बीजेपी या कांग्रेस को कई टक्कर देने में कामयाब रही। बेशक गुजरात में यह नहीं चला और कह सकते हैं कि गुजरात का सम्मान वहां के लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो इसे मोदी और अमित शाह के नजरों से देख रहे थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आप रेवड़ी की बात हमेशा से उठाते रहे, मेरा प्रश्न बीजेपी से है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर, चुनाव आयोग ने इस पर अपना नियमन जारी किया कि पार्टियां खुद तय करें कि आखिर लाभ और रेवड़ी बांटने में क्या अंतर है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो स्थिति बन गई है। चूंकि बीजेपी भी अब वही राह अपनाना चाहती है, चूंकि हर हाल में इसे सत्ता पसंद है, और शायद यही कारण है कि बीजेपी इस काम में लग गई है, सर्वे कराने में लग चुकी है, और अब तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो ये है कि बीजेपी भी खुलेआम अब मुफ्तखोरी की बात अपने चुनाव प्रचार में करने जाएगी। तो मेरा कहना है कि मुफ्तखोरी की जो आदत है ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बड़ा घातक है। आप उन्हीं पूंजी का, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल
किसी आधारभूत संरचना या रोजगारपनक कोई दूसरे योजनाओं में इन्वेस्ट करने से क्यों कतरा रहे हैं। बेशक आपकी सत्ता प्रभावित होती है, लेकिन आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको इन मुद्दों से जुदा होकर कोई अस्थायी भाव, कोई अस्थायी योजनाओं पर काम करने की जरूरत है। मुफ्तखोरी की आदत इस कदर व्याप्त है कि आप बिहार के गांव में आप जाएंगे तो मनरेगा के नाम पर मजदूर नहीं मिलते हैं, लेकिन मनरेगा के नाम पर उन्हें वेतन या पैसे जरूर मिल जाते हैं। यह मिलीभगत है सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों तक, और उसमें मुफ्तखोरी का लाभ आपस में सभी बांट लेते हैं। बिहार के कई गांवों में आपको मजदूर नहीं मिलेंगे, वो क्यों अपने काम करने जाएं? यह कहने की जरूरत नहीं है कि देश भर से ऐसे विजुअल वायरल होते रहे हैं जो खुद बुलेट और मोटरसाइकिल या बड़े लग्जरियस कार की सवारी करके पीडीएस से मुफ्त में अनाज पाने जाते हैं। चूंकि वो लाल कार्डधारी या पीला कार्डधारी होते हैं, वो अपने आप को गरीब रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में अपने को गरीब घोषित कर रखे हैं। तो ये सारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की जरूरत है। मेरा कहना यह है कि बीजेपी जो दूसरे पार्टियों से पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है तो उस पर कुछ निर्णायक कदम बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद।